नमस्कार साथियों, मैं सौरभ कोहली आपका स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है ट्रिकी एजुकेशन। आज हम इस्लाम का उदय के बारे में चर्चा करेंगे। ये इतिहास विषय के 11वीं कक्षा का एक चैप्टर है। नमस्कार साथियों, मैं सौरभ कोहली आपका स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है ट्रिकी एजुकेशन। आज हम चर्चा करेंगे 11वीं क्लास के हिस्ट्री के चैप्टर 4 का, इस्लाम का उदय और विस्तार 570 से 1200 ईस्वी। तो चलिए शुरू करते हैं। इस्लामिक समुदाय की शुरुआत लगभग 1400 वर्ष पहले अरब में हुई, फिर इसका विस्तार 1600 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक मिस्र से अफगानिस्तान तक फैला। सन 570 में मोहम्मद पैगंबर का जन्म हुआ। 612 में इस्लाम धर्म का उदय हुआ तथा 622 में हिजरी संवत कैलेंडर की स्थापना की तथा 632 ईस्वी में पैगंबर का देहांत हो गया तथा 622 में ही वह अपने अनुयायियों के साथ मक्का से मदीना चले गए। इस तरह अगर हम जाने, इसको ट्रिक के माध्यम से भी हम जान सकते हैं। कैसे? 570 में तो पैगंबर का जन्म हुआ, बाकी इसके बाद 12 10 10 साल का अंतर है। 612 में इस्लाम का उदय, 622 में हिजरी संवत, और इसी समय मक्का से मदीना भी गए, और 632 में पैगंबर का देहांत हुआ। तो ये चार डेटे बहुत ही महत्वपूर्ण है, 570, 612, 622 और 632। इसमें 10 10 साल का अंतर है, तो बच्चे आराम से इसको सीख सकते हैं कि 612 में इस्लाम धर्म का उदय हुआ, 622 में हिजरी संवत और मक्का से मदीना भी गए वो, और 632 में पैगंबर का देहांत हो गया। इसके अलावा प्रथम चार खलीफा की ट्रिक भी बनाई हुई है, वो आपको ट्रिक कहीं नहीं मिलेगी, ये मेरे द्वारा ही बनाई गई है ट्रिक। इसकी ट्रिक है अव्वा, अव्वा यानी कि AWA। पहला है ए से अबू बकर, यू से उमर, दूसरे यू से उत्मान और ए से अली। ये प्रथम चार खलीफाओं की ट्रिक है। पहली ट्रिक हमने जानी डेट्स के माध्यम से, दूसरी ट्रिक जानी अव्वा यानी कि चार खलीफाओं की ट्रिक। आगे हम जानते हैं उम्मेद वंश ने 90 वर्षों तक तथा अब्बासियों ने 200 वर्षों तक शासन किया। दावा नामक आंदोलन ने 750 ईस्वी में उम्मेदों को हराया और उनका अंत कर दिया। ये प्रश्न भी बहुत बार पूछ लिया जाता है, दावा नामक आंदोलन 750 ईस्वी में उम्मेदों का इसमें अंत कर दिया। उम्मेदों ने 90 वर्षों तक शासन किया था, अब्बासियों ने 200 वर्षों तक। अब्बासी अपने आप को पैगंबर मोहम्मद के चाचा अब्बास के वंशज मानते थे। मुस्लिम साम्राज्य की भूगोल ने सहायता की तथा 5 सदियों तक अरब तथा ईरान व्यापारियों का भारत तथा यूरोप के बीच समुद्री व्यापार पर एकाधिकार रहा। ईसाइयों तथा मुस्लिमों के मध्य धर्म युद्ध का कारण ईसा मसीह की जन्मस्थली जेरूसलम था। पहला धर्म युद्ध 1095 में हुआ था। इब्न सीना कौन था? एक व्यवसायी की दृष्टि से एक चिकित्सक तथा दार्शनिक था इब्न सीना। खराज क्या है? खराज और जजिया, ये एक प्रकार के टैक्स हैं, गैर मुसलमानों द्वारा लिए जाने वाला टैक्स था। लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था, कृषि भूमियों पर राज्य का नियंत्रण था। उश्र क्या है? उश्र, अगर हम जाने उश्र, 1/10 भाग था, ये टैक्स लिया जाता था। न्यू टेस्टामेंट क्या? न्यू टेस्टामेंट नाम है, बाइबल का ही नाम है ये दूसरा, या ओल्ड टेस्टामेंट भी नाम है बाइबल का। रिवा क्या है? ब्याज लेन देन। रबिया कौन थी? रबिया बसरा की मुस्लिम संत थी जिसने अपनी शायरी से इश्क की संदेश दिया था। रबिया ने अपनी शायरी से इश्क का संदेश दिया था। अब प्रश्नों पर आते हैं। यूरोप तथा एशिया पर धर्म युद्ध का क्या क्या प्रभाव पड़ा? यह प्रश्न बार बार पूछ लिया जाता है 11वीं क्लास में। मुस्लिम राज्यों ने ईसाई प्रजा के प्रति कठोर नीति अपनाई। पूर्व तथा पश्चिम के व्यापार में इटली का प्रभाव बढ़ गया। व्यापार के नए मार्ग खुले। यूरोपीय सामंतों की शक्ति कम हो गई और सामंतवाद का पतन हो गया। अगला प्रश्न है,
सातवीं शताब्दी के आरंभिक दशकों में बेदुइयों के जीवन की क्या विशेषता थी? बेदुइयों मतलब जो शुरुआती बद्दू बद्दू प्रजाति, यानी कि जो ये अब इस समय हम अरब देशों में शेख देखते थे, इस शेख से पहले बद्दू थे। इनको बेदुइयों के जीवन की विशेषता भी पूछी गई है। अरब कबीला विभिन्न कबीलों में बटा हुआ था। हर कबीले का मुखिया एक शेख था। हर कबीले के अपने देवी देवता होते थे। यह लोग खानाबदोश होते थे। भोजन में प्रमुख रूप से खजूर का उपयोग करते थे। अगला प्रश्न है, हिजरी संवत क्या है? जैसे हमने पहले भी चर्चा की थी हिजरी संवत के बारे में, मुस्लिम कैलेंडर हिजरी संवत से शुरू होता है। यह संवत 20 सितंबर 622 से शुरू होता है। 354 दिन का होता है, ये 12 महीने होते हैं। जब मोहम्मद साहब मक्का वालों के अत्यधिक विरोध के कारण मक्का छोड़कर मदीना चले गए, यह घटना हिजरत के नाम से प्रसिद्ध हुई। मक्का के लोग देवी देवताओं को मानते थे और उन्हें ठुकराने के विरुद्ध थे। खिलाफत की संस्था का निर्माण कैसे हुआ? 632 ईस्वी में मोहम्मद साहब के देहांत के बाद उनका कोई वैध उत्तराधिकारी नहीं था, इसलिए इस्लामी राज सत्ता उम्मा को सौंप दी गई। इस प्रकार संस्था का निर्माण हुआ। ये एक ऐसी संस्था थी जो कानून का निर्माण करती थी। जेरूसलम में डोम ऑफ रॉक किसने बनवाया? जेरूसलम में डोम ऑफ रॉक अब्दुल मलिक ने बनवाया। उमर खयाम कौन था? एक कवि, गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री था। इस्लाम के दो मुख्य संप्रदायों में विभाजन क्यों हुआ? शिया और सुन्नी दो संप्रदाय हैं। अली के शासनकाल में इसका विभाजन हुआ क्योंकि एक मोहम्मद पैगंबर को एक दूत के रूप में मानते थे, एक भगवान के रूप में, एक इंसान के रूप में। मतलब इस अरब में राजतंत्र की स्थापना किसने और कब की? 661 ईस्वी में मुआवियों द्वारा हुई थी। इस्लामी क्षेत्र को जानने के स्रोत हैं कुरान, इतिवृत्त, पैगंबर के कथन। अब्बासियों के पतन के कारण 9वीं शताब्दी में दूर क्षेत्रों में नियंत्रण कम हुआ, गृह युद्ध आदि, इसके कारण अब्बासियों का पतन हुआ। फातिमिद कौन था? वह शिया था तथा मोहम्मद की बेटी फातिमा का वंशज था। 8वीं 9वीं शताब्दी में कानून की शाखाओं का वर्णन करो। कानून की शाखाएं जो थी वो थी चार, मलिकी, हनफी, शफोड, अनवली। मुस्लिम साम्राज्य की मुद्रा प्रणाली का वर्णन करो। इस समय सोने चांदी तांबे के सिक्के होते थे। वस्तुओं की अदायगी के लिए प्राय सराफ द्वारा थैले में भेजे जाते थे। साख पत्रों यानी कि चेक तथा हुंडिया, बिल ऑफ एक्सचेंज का प्रयोग किया जाता था। हुंडी क्या होती है? हुंडी एक प्रकार का चेक होता है, या इसको हम बोले आज के जमाने में ड्राफ्ट के रूप में भी उपयोग होता है, लेकिन उस समय इसे हुंडी बोलते थे। इस्लामी वास्तुकला की चर्चा करें। इस्लामी वास्तुकला में इबादतगाह, मकबरे, मेहराब, गुंबद, मीनार, खुला गलियारा, फूलों का नमूना, जलाशय, खंभे वाली छत आती आते हैं। अरब सभ्यता की विशेष विश्व को क्या देना है? इस्लाम धर्म, चिकित्सा शास्त्र, पंचांग, साहित्य और वास्तुकला। इसके अलावा बच्चे इस प्रकार के प्रश्नों के भी उत्तर ढूंढ सकते हैं। धर्म युद्ध के विषय में संक्षेप में लिखें। पैगंबर मोहम्मद की शिक्षाओं की चर्चा करें। पवित्र पुस्तक कुरान के विषय में लिखें। चौथे खलीफा अली के बारे में संक्षेप में लिखें। इस्लामी पंचांग के विषय में बताइए। पैगंबर मोहम्मद के मक्का छोड़ने के पीछे क्या कारण थे? इस्लाम के उदय का राजनीतिक व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा? इसी प्रकार की वीडियोस पाने के लिए, अगले चैप्टर की जानकारी पाने के लिए, या 11वीं और 12वीं में इतिहास या पॉलिटिकल साइंस से संबंधित कोई भी विषय में कुछ पूछने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इसके अलावा ये वीडियो अन्य गवर्नमेंट एग्जाम्स में भी काफी लाभकारी होगी। KVS, NVS, DSSSB, इनमें भी ये वीडियो काफी लाभकारी है। आगे थैंक्स फॉर वॉचिंग बाय सर सौरभ कोहली। धन्यवाद।